डेली पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, आने वाले 3 दिसंबर को विश्व निशक्तता दिवस पर जब दिव्यांग हौसला बांध रहे होंगे, तब बिहार के औरंगाबाद की सुनीता अपने कर्म पर रो रही होगी। जी हाँ, ऐसा कहना है खुद सुनीता का। उसकी उम्र लगभग 30 साल है और एक दशक से दिव्यांगता का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, मगर आश्वासन तो मिला लेकिन न्याय नहीं मिला। सुनीता बताती है कि वो जन्मजात दिव्यांग नहीं थी। ये किस्सा लगभग 23 साल पुराना है। वो दाऊदनगर प्रखंड के अंछा पंचायत की जागा बिघा की रहने वाली है और वहीं के प्राथमिक विद्यालय की वो 3री कक्षा की छात्रा थी। शिक्षक ने उसकी सहेली से एक सवाल पूछा था, तब सहेली की जगह पर सुनीता बेंच से खड़ी हो गई और उसने जवाब बता दिया। इस पर शिक्षक आग बबूला हो गए और उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। इस पिटाई में उसके पैर की हड्डी टूट गई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद उसने बीएड और एमएड की डिग्री ली। टीटी परीक्षा भी पास की लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका की नौकरी के लिए भी उसने अर्जी दी थी और इस प्रॉब्लम को लेकर के 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार भी पहुंची थी। हालांकि कोई भी सार्थक परिणाम जो था वो नहीं निकला। सुनीता के पैर का घुटना भी खराब हो गया था उस घटना में और घुटना प्रत्यारोपण के लिए उसे 5 लाख रुपए की दरकार है। वो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रही है। दिव्यांगता का लाभ भी उसे नहीं मिलता। सुनीता की शादी हो चुकी है लेकिन दंपत्ति के पास डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं है। इसके कारण घर का चूल्हा जलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इलाज तो दूर की बात है, घर भी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, पहले के जमाने में कुछ समय पहले तक टीचर्स को काफी ज्यादा ये हक मिलता था कि वो बच्चों की पिटाई कर देते थे, लेकिन इस पिटाई की जो भुक्तभोगी सुनीता है वो आज तक अपने शिक्षक की पिटाई की इतनी ज्यादा भुक्तभोगी है कि उनका पूरा का पूरा जिंदगी, पूरी की पूरी जीवन जो है वो बर्बाद हो रही है। फिर आज को इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।